एक वो टर्न आता है जबकि उसको अपने बहुत जॉब इनसिक्योरिटी हो रही होती है और वो जो बंद जो जो लेडी उसके साथ फ़ोन पर बात कर रही है वो बोलती है कि हाँ तुम हमें मेल कर देना ठीक है यू जस्ट मेल इट वॉज ये मुझे ये बहुत चिलिंग लगा ये जो आपने जिस तरीके से इसको प्रेजेंट किया ना ओके फाइन जस्ट मेल माने ऐसा मुझे लगा कि आपने ये भी एक प्रोजेक्ट किया है कि वर्क स्पेस में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग नहीं है फेलो फीलिंग नहीं है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे ऐसी बात नहीं है ओके okay. no. मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर फीलिंग है बट इतना कॉम्पिटिशन कट थ्रूट कॉम्पिटिशन एंड जस्ट वॉन्ट टू बिकम बेटर की बचे ना बचे आपकी नौकरी बच जाए कोविड टाइम में तो बहुत हुआ था <laughs> क्या आप बच जाए किसी तरह से Correct. तो ये इसको आप थोड़ा डी कीजिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक इंसान है और हम इनहेरेंटली हम सभी लोग बहुत अच्छे हैं हमारी अपनी मजबूरियां होती हैं तो आप अगर जॉब में हो और अगर आप एच में हो और आपको फायर करना है किसी को तो हाउ कैन यू फायर समी पोलाइटलीट दोसे पर्टिकुलरली जो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो पोर्टफोलियो मैनेजर था बड़ा आदमी था उसके नीचे टीम काम करती थी बड़ी टीम काम yes. करती थी राइट right? उसको अगर आप ही ऑल्सो है अथॉरिटी एंड से इन बिजनेस राइट सो समाइम्स यू जस्ट हैव टू इट स्ट्रेट इवन इफ यू शूड एनी डिफरेंस मीनिंग तो ही था ना कि तुम्हारी नौकरी जा रही है भाई तो तुम अपना hmm. रास्ता देखो कुछ और अपने लिए और टिपिकली एचआर का जॉब मैंने देखा है कि मैंने एचआर में काम भी किया हुआ है तो बहुत सेंसिटिव होता है कि इट्स मैनेजमेंट हैज़ टेकन अ डिसीशन द गाई हु डिसाइडेड दैट यू विल बी फायर्ड ही इज नॉट कम्युनिकेटिंग इट टू यू कोई और कम्युनिकेट कर कोई और कम्युनिकेट कर yes. अब जो कम्युनिकेट कर रहा है उसके अपने बैगेज हैं उसके अपने लाइफ के चैलेंजेस हैं उसकी अपनी इनसिक्योरिटी है अगर वो कम्युनिकेट नहीं करेगा हो सकता है उस व्यक्ति को आज बीस लोगों को कम्युनिकेट करना हो तो इट जस्ट बिकम्स बिजनेस एज यूजल कि आप जैसे आप खाना खा रहे हो पानी पी रहे हो उस तरह से यू आर फाइट। तो मुझे लगा क्या कि जो हम कहते हैं कि कॉपरेट सेक्टर कट थ्रोट है सब कुछ है कट थ्रोट कहाँ नहीं है पॉलिटिक्स से ज़्यादा कट थ्रोट क्या है राइट <laughs> right? uh, आप जो सब्ज़ी बेचने वाला है वहाँ देखो क्या कंपटीशन है आप सब्जी लेने के लिए जाते हो बीस आपको बुला रहे होते हैं मैडम इतारा है। ये ये सब्जी लीजिए ये टमाटर लीजिए ये आलू लीजिए या प्याज लीजिए लाइफ इज़ कट थ्रोट हर जगह कट थ्रोट है कॉर्परेट सेक्टर चूंकि हम लोगों को पिक्चरों में दिखाया जाता है तो ऐसा इंप्रेशन है कि लोग वहाँ इस तरह के होते हैं जैसे आपके फैमिली में लोग हैं जैसे आपके नेबरहुड में लोग हैं वैसे ही लोग कंपनी में भी हैं आई बिन लकी टू मीट मेनी ऑफ देम जो कि एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन बींग्स हैं दे आर सोच ऑफ कंपैशन लव फॉर मी मेरी लाइफ में जो कोई कनेक्शन नहीं था सिर्फ प्रोफेशनल एक आपका रिलेशनशिप है वर्किंग रिलेशनशिप है वहाँ पर उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके मुझे हेल्प किया मेरे वेलबींग well के बारे में well वेलबींग के बारे में इतना सोचा मुझे गाइड किया कोच किया सपोर्ट किया आई हेव नवर गिवन एनी थिंग बैक टू दैम अगर शायद मैं उनको देखता हूँ तो मेरे आसपास के जो लोग हैं मे बी दे डि नॉट कंट्रीब्यूट एज मच टू मी तो वह भी हर तरह के लोग हैं कई बार आपको करना होता है ऐसे बिकॉज आई यू फील दैट द सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू डू दैट इफ़ यू टॉक नाइसली वी एंड वेस्टिंग मे बीर टू आवर्स एंड यू हैव ट्वेंटी मोर पीपल टू कॉल और हंड्रेड मोर पीपल टू कॉल पता नहीं मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि आप किसी को ब्लो दे रहे हो एटलीस्ट आप कुशन कर सकते हो या yeah, कुशन करने का ऑफकोर्स ऑफकोर्स किताब है तो थोड़ा सा उसमें uh, ड्रामा भी है रियल लाइफ में शायद इतना स्ट्रेट नहीं होता है अच्छा या थैंक गॉड तो अगर आप रियल लाइफ में जाएंगे इट्स नॉट वेरी कॉमन व्हाट यू हैव सीन इन द बुक ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है बट जनरली ऐसा नहीं होता है आपको नोटिस पीरियड दे, दे देंगे आपको पहले थोड़ा सा हिंट दे, दे देंगे कई बार लोगों को निकालने के पहले उसको पर्सनली इंप्रूवमेंट प्लान पर डालते हैं उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे देते दे हैं दे दे, उनको कई बार कोच करवा देते हैं कंपनीज के अपने हर कंपनी का अपना प्रोसेस है उसको वो फॉलो करते हैं तो ये चूँकि फिक्शन है तो थोड़ा सा एक्साइटिंग और क्या कहते हैं उसको ड्रामा आपको इंगेज रखता है लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है ऐसा भी होता है कॉपरेट में शायद वैसे कैसे बहुत कम होंगे